तो गाइज कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग सब अच्छे ही होंगे। और गाइज आज की वीडियो में बात करेंगे, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कैबिनेट आइस 511 MT जो एंटी स्पोर्ट की तरफ से आती है उसके अंदर दो हार्ड डिस्क का सेटअप कर सकते हैं। और तो गाइज ये कुछ रखी है, मैंने सेटअप किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको इनको कनेक्ट करनी है, दो कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर देना और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले आप कैबिनेट में आपको ये ड्राइव बेस मिलेंगे जिसमें आपको हार्ड डिस्क सेटअप करनी है। तो मैं बता देता हूँ आपको, दो अगर आप लगा रहे हैं हार्ड ड्राइव्स तो कैसे आप उनको सेटअप करेंगे। तो गाइस पहले आपको करना यह है कि इसको इसके ऊपर रख देनी है हार्ड डिस्क को, उसके बाद इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं। और गाइज अगर आपको इस कैबिनेट का रिव्यू देखना है तो लिंक मैंने दे दिया है आई कार्ड में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज ये है गैप, ये जो गैप है हार्ड डिस्क का, ये आपको यहाँ मैच कराना है। ये जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की जो जगह है, ये सॉरी जो स्क्रू की जो जगह है उसको आपको इसमें फिट करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। मैं कैमरा में आपको सही से दिखा देता हूँ गाइस, देखिए ये आप देख रहे होंगे अभी पूरी चार की यहाँ पे जगह बन चुकी है स्क्रूज की। तो बस गाइस इस जगह पे आपको स्क्रू कर देना है। देखिए जैसे लगा दिया, और दूसरा लगा देना है इधर। सिंपल है गाइस, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये देखिए गाइस ऊपर लग गई है वाली हार्ड डिस्क, ये लग गई है। और ये है हमारी दूसरी, इसको कैसे लगाना है, इसको करिए उल्टा, और ये तो आपको पता ही होगा ऐसे इंस्टॉल हो जाएगी ये। और फिर बचती है यहाँ पे स्क्रू की जगह। तो गाइस ये हो गई अपनी दूसरी वाली हार्ड डिस्क की जगह, इसमें भी मैं स्क्रू लगा देता हूँ। सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल को, और कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना आप। तो गाइस ये लग गई अपनी हार्ड डिस्क, देखिए दो लग गई है पूरी, ये देख रहा हूँ आप। अब मैंने इधर स्क्रू नहीं लगाया क्योंकि ये ज़्यादा जरूरत तो मुझे पड़ नहीं रही है, मैं निकालता रहता हूँ। बाकी आप गाइस इधर भी लगा लीजिए स्क्रू स्क्रूज को, तो फिर ये और ढंग से हिलेगी नहीं आपकी हार्ड डिस्क। तो गाइस यही था इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एंड तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।